नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर कई तरह के रोल अदा किए हैं और अपने अभिनय कौशल से दर्शकों का बरसों से खूब मनोरंजन करते हुए आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्मों के मशहूर कलाकार गोविंद नामदेव जी के बारे में, जिन्हें आपने फिल्मों में अक्सर एक घटिया पुलिस वाले के किरदार में जरूर देखा होगा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ढूंढ निकालो उस हराम के पिल्ले को, उसको गांव भर में कुत्ते की तरह घसीटना है मन्ने। कुछ बच्चों ने मुझे पागल समझकर मुझे पत्थर मारे, कुछ लोगों ने मुझे बेकारी समझकर मुझे भीख भी दे दी। अपने शहरी दलालों का डर मत दिखा, ई बॉर्डर को इलाको है, यहाँ मैं ही वकील हूँ, मैं ही जज हूँ और मैं ही जल्लाद। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे मरने पर पुलिस डिपार्टमेंट सरकारी शोक मनाता और तिरंगे झंडे को एक दिन के लिए शर्म से झुका रहना पड़ता। ये हमारे नेशनल फ्लैग का अपमान होता। गोविंद नामदेव जी का जन्म 3 सितंबर सन 1950 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ। गोविंद बचपन से ही बहुत मेहनती और संघर्षशील थे। ये अपने बचपन के दिनों में दोस्तों के साथ खूब खेल खेला करते थे और मन ही मन सोचते थे कि मैं खेलों में हमेशा सबसे आगे आऊं। गोविंद के मुताबिक गोविंद ने अपनी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। दरअसल गोविंद नामदेव के पिता पेशे से एक दर्जी थे और मंदिरों में लगने वाली मूर्तियों के लिए कपड़ों की सिलाई किया करते थे। साथ ही गोविंद भी अपने पिता के काम काज में हाथ बटाया करते थे। इन्होंने अपनी 8वीं कक्षा की पढ़ाई सागर में ही पूरी की और बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली जाकर पूरी की। गोविंद अपने हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज के साथ साथ नौकरी भी करना चाहते थे, क्योंकि गोविंद ये नहीं चाहते थे कि उनकी पढ़ाई का खर्च उनके घर वाले उठाएं, जिसके कारण इन्होंने कॉलेज के साथ साथ नौकरी भी करने का निर्णय किया। दरअसल कॉलेज के दौरान ही गोविंद नामदेव की नज़र एक विज्ञापन पर पड़ी और वह विज्ञापन था साहित्य कला एकेडमी का, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई करने के लिए 2 ऑफर दे रहा था और वो भी 250 रुपये की स्कॉलरशिप के साथ। विज्ञापन को देखकर गोविंद नामदेव ने सोच लिया, मैं वैसे भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया करता हूँ, अगर इस विज्ञापन में मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय को बहुत ही बारीकी ढंग से सीख और समझ सकता हूँ। इसी बात को ध्यान में रखकर इन्होंने बिना देर किए ही फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के कुछ दिनों बाद ही इनका इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में गोविंद नामदेव सेलेक्ट हो गए। अब गोविंद नामदेव जी का दाखिला तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो गया था, लेकिन गोविंद नामदेव अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही उदास रहा करते थे, क्योंकि यहाँ सभी विषयों की पढ़ाई हिंदी भाषा में ना बोलकर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाती थी और गोविंद नामदेव अंग्रेजी भाषा को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते थे, जिसके कारण क्लास के बाहर उदास मुद्रा में बैठे रहते थे। एक दिन इस समस्या का समाधान करने के लिए आखिरकार गोविंद नामदेव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर इब्राहिम अलकाजी साहब के पास पहुंच गए और शिक्षा लेते समय अंग्रेजी भाषा से होने वाली समस्याओं को बताते हुए हिंदी भाषा में भी शिक्षा देने की गुजारिश करने लगे। गोविंद नामदेव की बात सुनकर अलकाजी साहब ने अंग्रेजी भाषा से संबंधित होने वाली समस्याओं को देखते हुए सभी विषयों के शिक्षकों को हिंदी में भी पढ़ाने के लिए बोल दिया। अब हिंदी भाषा के माध्यम से गोविंद नामदेव अभिनय करने की कला को बारीकी से सीखने व समझने लगे और धीरे धीरे गोविंद साहब ने मात्र 3 साल के अंदर ही अभिनय करने की कला को पूरी तरह से सीख लिया। आपको बता दें, गोविंद नामदेव ने फिल्मों में अभिनय करने के मामले से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन नहीं लिया था, बल्कि ये तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इसलिए गए थे कि वहाँ जाकर अभिनय करने की कला को बारीकी से सीख सकूं और गांव या शहर में जाकर सरकारी नाटक बनाकर लोगों के मध्य प्रस्तुत करूँगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सका। रेपर्टरी कंपनी में इन्होंने लगभग 11 वर्षों तक काम किया। इन 11 वर्षों के अंदर ही इन्होंने रेपर्टरी कंपनी में रहकर ही बहुत चीज़ों को सीखा। यहाँ रहकर इन्होंने कई प्रकार के नाटकों में अभिनय किया और साथ ही अपने अभिनय कौशल को और मजबूत करने के लिए खूब प्रयास भी किए। थिएटर करने के दौरान ही इन्होंने अंधायुग नामक नाटक में भी काम किया, जिसमें इन्होंने नाटक के मुख्य पात्र अश्वत्थामा का किरदार निभाया।
इस नाटक से गोविंदनाथ देव बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के द्वारा लिखी एक नाटक ओथेलो में भी इन्होंने मुख्य पात्र ओथेले की भूमिका निभाई। इसके बाद गोविंदनाथ देव रेपेट्री कंपनी से निकलकर जीवन में कुछ नया करने के लिए संघर्ष करने लगे और दिल्ली शहर छोड़कर मुंबई की तरफ रुख किया। मुंबई शहर जाकर इन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए कई फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं के चक्कर काटने शुरू किए। इन्हें सबसे पहले फिल्मों में काम का अवसर दिया फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी ने 1992 की फिल्म 16 और शबनम में, जिसमें मुख्य भूमिका में गोविंदा और दिव्या भारती नजर आए थे। दरअसल गोविंद नामदेव की किस्मत बहुत अच्छी थी कि इन्हें फिल्म 16 और शबनम जैसी हिट फिल्म में अभिनय करने का पहला ही अवसर मिल गया। गोविंद नामदेव ने फिल्म 16 और शबनम में अभिनय करने के बाद 90 के दशक में बॉलीवुड की कुछ और भी फिल्मों में काम किया, जिनमें चमत्कार, आंखें, विरासत, जोर, प्रेम ग्रंथ, सत्य, बैडिट क्वीन, सरदार, सरफरोश, मस्त और तक्षक जैसी बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, यह तो रही गोविंद नामदेव की 90 के दशक की कुछ फिल्में। 90 के दशक की फिल्मों में अभिनय करने के बाद गोविंद नामदेव ने 2000 से लेकर 2020 तक बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया और आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। गोविंद नामदेव ने 2000 से लेकर 2020 के दशक तक कई फिल्में की, जिनमें दिल है हिंदुस्तानी, पुकार, राजू चचा, लज्जा, बधाई हो बधाई, दिल है तुम्हारा, वांटेड, जाने भी दो यारो, सिंघम, जीना है तो ठोक डाल, ओह माई गॉड, शादी में जरूर आना इत्यादि फिल्में शामिल हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2021 में आने वाली सलमान खान साहब की फिल्म राधे में गोविंद नामदेव एक पुलिस वाले के किरदार में दिखने वाले हैं। गोविंद नामदेव ने अपने अभिनय का लोहा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि इन्होंने छोटे पर्दे यानी कि टेलीविजन सीरियलों में भी अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया और आज भी टीवी सीरियलों में नजर आते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारे टेलीविजन सीरियलों में अभिनय किया, जैसे परिवर्तन, ब्योमकेश बख्शी, आहट, महायज्ञ, आशीर्वाद, अभिमान और युवर हुनर जैसे और भी बहुत सारे टेलीविजन सीरियल शामिल हैं। गोविंद नामदेव ने बॉलीवुड की फिल्मों और टीवी सीरियलों में तो काम किया ही और साथ ही इन्होंने क्षेत्रीय भाषा की मराठी फिल्मों में भी अच्छा अभिनय किया। इनकी कुछ मराठी फिल्में हैं सुपर सन्नाटा, मना तन्य उन्नाहट और रात्रि चप पाउस इत्यादि। गोविंद नामदेव अपनी सफलता का श्रेय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर रह चुके इब्राहिम अलका जी को ही देते हैं। इनकी अच्छी एक्टिंग स्किल और डायलॉग डिलीवरी के कारण इन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 1999 में इन्हें वेस्ट विलन के फिल्म फेयर अवार्ड से और मराठी फिल्मों की ओर से इन्हें महाराष्ट्र कला निकेतन के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अगर हम गोविंद नामदेव की निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है इनकी शादी हुई सुधा नामदेव से, जिससे इनकी 3 बेटियां हुईं, पल्लवी नामदेव, प्रगति नामदेव और मेघा नामदेव। गोविंद नामदेव आज जहां भी हैं इनके लिए ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि अपने परिवार के साथ खुश रहें और ऐसे ही अपने अभिनय कौशल से दर्शकों को खूब मनोरंजित करते रहें। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो केंद्रित था बॉलीवुड के बेस्ट विलन गोविंद नामदेव पर। उम्मीद है हमारा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।